राम मंदिर उद्घाटन से पहले ओवैसी जाएंगे जेल, पुलिस की लिस्ट में कई बड़े नेताओं के नाम होंगे शामिल। सीएम योगी ने दिया ऐसा जवाब, नहीं करेगा कोई निमंत्रण पर सवाल, दो शब्द में दिया विरोधियों को जवाब। मूर्ति नहीं, पुजारियों का भी हो गया चयन, एक ओबीसी एक दलित पुजारी समेत 24 पुजारी करेंगे सेवा। क्या राम मंदिर उद्घाटन से पहले ओवैसी जेल जाएंगे और उनके साथ कई बड़े नेताओं की भी फाइल खुलने वाली है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए सीएम योगी ने राम मंदिर के निमंत्रण पर सवाल उठाने वालों को कितना तगड़ा जवाब दिया है। हजारों वर्ष पहले प्रभु राम पुष्पक विमान से अयोध्या आए होंगे और अब तो अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का भी उद्घाटन हो गया है। रेलवे लाइन दौड़ लाइन के साथ जोड़ा जा चुका है और एक स्टेशन का उद्घाटन तो प्रधानमंत्री जी ने स्वयं किया है और अब तो अयोध्या और उसके आसपास 5-6 नए स्टेशनों का विकास किया जा रहा है, किसी को भी समस्या नहीं होगी। और यही नहीं, सड़क मार्ग से जोड़ लिया गया, रेल मार्ग से जोड़ लिया गया, वायु मार्ग से भी जोड़ लिया गया और जल मार्ग से जोड़ने की कार्रवाई भी हमारी प्रारंभ हो गई है। आज दुनिया के अंदर भारत का सम्मान बढ़ा है, एक नए भारत का दर्शन हो रहा है। आज देखिए, अयोध्या जाने में जो लोग संकोच करते थे, अयोध्या का नाम लेने में जिनको संकोच होता था, आज वे भी कहते हैं कि हमें भी निमंत्रण मिलेगा तो हम भी जाएंगे। परिवर्तन है। सीएम योगी का यह बयान बताता है कि राम मंदिर पर सवाल उठाने वालों पर सरकार कितनी सख्त है। पुलिस को भी साफ आदेश है कि कोई बवाल नहीं होना चाहिए, अगर कोई शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश करे तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो। और ओवैसी ने ऐसी एक गलती कुछ घंटे पहले की है जिसे लेकर हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने दिल्ली पुलिस को शिकायत देकर कहा है कि ओवैसी मस्जिद पर लोगों को गलत जानकारी देकर शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। शिकायत में आगे लिखा है, राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मंदिर का निर्माण हुआ है, मस्जिद बनाने के लिए भी दूसरे समुदाय को जमीन दी गई है, लेकिन ये कहना कि मस्जिद शहीद कर दी गई है लोगों को जानबूझकर गुमराह करना है। दरअसल कुछ दिन पहले ओवैसी ने कहा था कि पिछले 500 सालों से पवित्र कुरान पढ़ी जाती थी, वो जगह अब उनके हाथ में है, हमने अपनी मस्जिद खो दी है, वहाँ क्या हो रहा है आप देख रहे हैं, क्या आपके दिल में दर्द नहीं है? ओवैसी का ये बयान बताता है कि युवाओं को वो कौन सी दिशा देना चाहते हैं, पर कुछ लोगों के ऐसा बोलने से ना तो सत्य मिट सकता है ना ही राम मंदिर का उद्घाटन रुक सकता है, क्योंकि अदालत के आदेश पर मंदिर का निर्माण हो चुका है और 22 जनवरी को अब उसका उद्घाटन तय है, जिसके लिए मूर्ति भी तय हो चुकी है। गर्भगृह में नील वर्ण के रामदला विराजमान होंगे, 3 में से 1 मूर्ति फाइनल हुई है। 51 इंच की लंबी प्रतिमा ऐसे बनाई गई है कि रामदला की 5 साल के बाल स्वरूप के दर्शन होंगे। कर्नाटक की मूर्तिकार योगीराज ने इस बात का ख्याल रखा है कि मूर्ति राजा के पुत्र और विष्णु के अवतार की तरह लगे। कमल के फूल पर विराजमान रामदला की मूर्ति की कुल ऊंचाई 8 फुट होगी। शानदार बात यह है कि मूर्ति के साथ ही पुजारी भी फाइनल हो गए हैं। कुल 24 पुजारियों को मंदिर के लिए चुना गया है, जिनका चयन इंटरव्यू के जरिए हुआ है। इन 24 पुजारियों में से 1 ओबीसी और 1 दलित पुजारी होंगे। कई साधु संतों का कहना है कि भगवान राम ने खुद शबरी का जूठा बेर खाकर जात पात मिटाने का संदेश दिया था, तो फिर भगवान की पूजा में कैसी जाती। हालांकि कुछ लोग रामचरितमानस में लिखी तुलसीदास की उस पंक्ति का हवाला देकर दबी जुबान में ये भी कह रहे हैं कि राम मंदिर उद्घाटन में पुजारी नियुक्ति को लेकर तुलसीदास ने सालों पहले ही लिख दिया था। उन्होंने लिखा था कि कलयुग में पुजारी जाति देखकर नियुक्त नहीं होंगे। हालांकि भगवान ने अपने हर अवतार में यही संदेश दिया है कि हमारी जाति सिर्फ मानव है, इसलिए जात पात का भेदभाव कहीं से भी जायज नहीं है। अब मूर्ति फाइनल होने और पुजारी के चयन होने के बाद देश को इंतजार 22 जनवरी का है, जिस दिन भगवान राम का सालों पुराना वनवास खत्म होगा।